5 ऐसी गलतियाँ जो कि हर फेसबुक मीडिया बैर करता है, जिसको हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो कि लीड करता है डिक्रीज इन सेल्स, लाइक स्केलिंग पे इशू कर सकता है। तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, वो 5 कौन सी चीजें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए एज अ फेसबुक एडवर्टाइजर या फेसबुक मीडिया बायर। तो सबसे पहला पॉइंट है, वो है टारगेटिंग। अच्छा, मैंने ये देखा है कि लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं रिगार्डिंग टारगेटिंग। वो कहते हैं कि वजाद भाई, मैं किन को टारगेट करूँ, लेट्स से कोई होम नीच का है, मैं किन को टारगेट करूँ, इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, और बहुत फिक्रमंद होते हैं रिगार्डिंग टारगेटिंग। जबकि उन मासूम लोगों को नहीं पता कि अब जो टारगेटिंग है वो फेसबुक AI पे हमें रिलाई करना है, और अभी जो टारगेटिंग है उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, हम आधा से ज़्यादा जो टाइम है वो हम टारगेटिंग पे ही कर रहे होते हैं, कि हम रिसर्च कर रहे होते हैं कि क्या क्या टारगेटिंग होनी चाहिए, इंटरेस्ट कौन सा हम ऐड करें, कौन किस तरह नैरो डाउन करें। हालांकि अब टारगेटिंग का वर्क बिल्कुल ही ख़त्म होने जा रहा है। अब जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो टारगेटिंग वाला जो चीज़ है वो भी रिमूव हो जाएगी। अभी रिसेंटली यही हुआ है, एक न्यू फीचर रोल आउट हुआ है फेसबुक पे, जिसको आप कहते हैं एडवांटेज प्लस शॉपिंग। इस पर भी मैं वीडियोज बनाऊंगा, बट एक ये फीचर बताने का मकसद इसमें यही हुआ है कि टारगेटिंग बिल्कुल ख़त्म की गई है। इसमें आप फुली AI पे बेस करते हैं। AI आप फेसबुक को कहेंगे कि आप खुद ही टारगेट करें, इंस्टेड ऑफ कि हम खुद सोचेंगे क्या हमारे कौन सी टारगेट ऑडियंस है, हम मेक श्योर करें कि हम फेसबुक को कहें कि आप खुद ढूंढें। हम लोग क्या करते हैं कि टारगेटिंग में बहुत ज़्यादा, जिस तरह आपको मैंशन किया कि इंटरेस्ट टैग इंटरेस्ट करें, मतलब ऑडियंसेस से कौन से चूज़ करें, फीमेल, जो एज रेंज है, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। प्लेसमेंट है उसको हम नैरो डाउन कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेक श्योर करें इस चीज़ों को अवॉइड करें, और जो AI है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करें। जिस तरह मैं रिकमेंड करता हूँ कि ब्रॉड पे, जैसा मैंने टिकटॉक पे भी रिकमेंड किया ब्रॉड पे, क्योंकि ब्रॉड पे एक तो ये है कि बहुत ब्रॉडर ऑडियंस हो जाती है, ठीक है, और AI आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। मैं हर ये ज़्यादा मैं ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ कि जो AI है इट इज़ स्मार्टर देन ह्यूमन बींग, ठीक है। AI को पता है कि एक ऑडियंस कौन सी है, टारगेटिंग कौन सी करनी है, आइडियल ऑडियंस कौन सी है, कब कौन से टाइप पे कौन सी ऑडियंस अवेलेबल होती है, कब क्या ऐड दिखाना है। तो AI को ये ज़्यादा बेहतर पता है रादर देन एक ह्यूमन बींग को। हम जस्ट सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं, जो कि हम नॉर्मल पाकिस्तानी लोग लगा रहे होते हैं, कि हम लोग कहते हैं डे पार्टिंग करें कि पाकिस्तानी लोग 12 बजे सो जाते हैं या 2 बजे सो जाते हैं, इस वक्त ऐड ना दिखाएं, 5 बजे के बाद दिखाएं, जो जिसके हक में मैं हूँ ही नहीं। मैं कहता हूँ 24/7 ऐड चलें, ठीक है। तो खैर, मकसद कहने का ये है कि मेक श्योर करें कि टारगेटिंग पे इतना फोकस ना करें, ठीक है। हम लोग टारगेटिंग पे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि जो क्रिएटिव है वो जो मेन गोल है वो हम लूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से इजली आ रही होती तो हम स्केल नहीं कर पाते। तो मेक श्योर करें इस जो मिस्टेक्स जो आप करते हैं उसको आप अवॉइड करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं इस तरह के क्वालिटी जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शेयर कर सकूं। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट है ये लिंक्ड है फर्स्ट पॉइंट से, और जो है क्रिएटिव। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि टारगेटिंग की आपको फिक्र नहीं करनी, तो टारगेट कौन करेगा आपका, ये सवाल होगा, वो करेगा क्रिएटिव। आपको जो फोकस करना है वो क्रिएटिव पर करना है। अगर लेट्स से अगर 100% में से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 80-90% आपको जो फोकस करना है वो क्रिएटिव पर करना है, ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव ही टारगेटिंग कर रहा है। आप जो भी क्रिएटिव दिखाएंगे AI उसके हिसाब से ही टारगेटिंग करेगा। आपको क्रिएटिव पे फोकस करना है, एड कॉपी पे फोकस करना है, जो मैसेज है उस पर फोकस करना है, हेडलाइंस पे थोड़ा बहुत फोकस करना है, बट आपको जो मेनली फोकस है वो क्रिएटिव होना चाहिए। हम लोग क्रिएटिव पे फोकस नहीं करते, हमारा जो क्रिएटिव होता है इतना अच्छा होता है नहीं है। हम दूसरों की वीडियो डाउनलोड करके हम लोग चला रहे होते हैं, और मतलब ना कोई प्रॉपर थंबनेल होता है, ना कोई लोगो होता है, ना कोई सबटाइटल्स होते हैं प्रॉपरली, ना कोई म्यूजिक होता है बैकग्राउंड के प्रॉपरली एक अच्छा एंगेजिंग लगे, लोग उसको इंजॉय करें, एंगेज करें। तो आप बेशक करेंगे क्रिएटिव पे ज़्यादा फोकस करें, इमेज किस तरह की होनी चाहिए तो इस पर फोकस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो फेसबुक है वो टारगेटिंग करेगा, ठीक है। तभी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि टारगेटिंग की फिक्र ना करें, क्रिएटिव ही टारगेटिंग करेगा।
तभी हम लोग कहते हैं कि जो फ्यूचर जो मीडिया बायर्स हैं वो मीडिया बायर्स ये होंगे, वो क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट होंगे, कि क्रिएटिव के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज होगी, क्रिएटिव किस तरह की होने चाहिए, वो क्रिएटिव के बारे में ज़्यादा नॉलेजेबल होगी, क्योंकि फ्यूचर क्रिएटिव का ही है। तो मेक श्योर करें क्रिएटिव पे फोकस करें, क्रिएटिव एक दफ़ा आपका हल हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका टारगेटिंग का भी हल हो जाएगा। तो लोग क्रिएटिव पर फोकस नहीं करते, आप जो इमेजेस हैं उस पर आपका जो फोकस वो नहीं रहता है, डायमेंशन आप ठीक यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेट्स से मैंने ये बहुत दफ़ा देखा है कि अब जैसे 1:1 डायमेंशन है उस पर आप स्टोरीज भी चला रहे हैं और आप मतलब ये फीड पे भी कर रहे हैं और ऑडियंस नेटवर्क जो प्लेसमेंट है उस पर भी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डायमेंशन ठीक नहीं होगी तो आपकी जो कंपेन है वो ऑप्टिमाइज नहीं होगी, जो आपका एड है, क्योंकि वो क्या होगा, क्रॉप करके दिखा रहा होगा और क्रॉप करके दिखा रहा होगा, प्रोडक्ट पॉपुलर दिख नहीं रही होगी, ठीक है। तो इस तरह के भी इश्यूज आ सकते हैं। बेशक करें क्रिएटिव पे फोकस करें और टारगेटिंग की इतनी फिक्र ना करें। अच्छा, जो थर्ड मिस्टेक है वो ये है कि हम लोग जो डिसीजन बनाते हैं वो एडसेट या कंपनी लेवल पे बनाते हैं, ठीक है। हम लोग ये कहते हैं कि लेट्स से एडसेट नहीं चल रहा है, टारगेटिंग ठीक नहीं होगी, टर्न ऑफ कर दो, या कंपेन या CBO सही नहीं चल रहा, टर्न ऑफ कर दो, या ABU सही नहीं चल रहा, ABU बेकार चल रहा, टर्न ऑफ कर दो, और या जो एडसेट है कि या अगर लेट्स से अगर ब्रॉड रखा हुआ या इंटरेस्ट रखा हुआ या दूसरे इंटरेस्ट टेस्ट करते हैं, इस तरह की चीज़ों में हम लोग लगे हुए हैं, जबकि ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें जो डिसीजन बनाना है वो एड लेवल में बनाना है। ये भी मैं समझता हूँ कि ये इंटरकनेक्टेड है सेकंड पॉइंट से, जो कि क्रिएटिव है, जो कि हम जिसको हम ऐड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो क्रिएटिव है उसके लिए उस जो ऐड लेवल उस पर आपको डिसीजन बनाने के, ये भले ऐड अच्छी चल रही है या नहीं, जिससे हम आपको कहा अगर टारगेटिंग आपका क्रिएटिव करेगा तो क्रिएटिव वही डिसीजन बनाए कि ये क्रिएटिव कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो CPC है, CPM है, CTR है, जो मेन KPIs है, लाइव व्यू कंटेंट, एड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट, परचेजेस, ROAS, ये किस तरह परफॉर्म अच्छे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एड को टर्न ऑफ करें, नॉट एड सेट, ठीक है। हम लोग ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो बेशो करें इसको आप अवॉइड करें। जो फोर्थ मिस्टेक है वो ये है कि मैंने ये देखा है कि लोग ये भी कहते हैं कि बजाज भाई हम लोग टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान को, और हम लोग देख रहे हैं Shopify डैशबोर्ड पे कि ऑडियंस US की आ रही है, दुबई की आ रही है, सऊदी अरब की आ रहा है, ओमान का, ये किस तरह हो सकता है। तो ये भी एक इशू जो कि लोग अवॉइड नहीं करते, लोगों को पता भी नहीं है कि जो इनका एड है पाकिस्तान से बाहर भी दिखाया जा रहा है, वो क्यों दिखाया जा रहा है। तो इसका मैं इशू बता दूं आप लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा, जब आप एडसेट लेवल पर जाते हैं, जब आप लोकेशन पर जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है कि पीपल लिविंग रिसेंटली और लिविंग इन दिस लोकेशन। अब जो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन चूज कर रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिसेंटली उस स्पेसिफिक कंट्री में रहा हो, या वो अगर मतलब ये रिसेंटली उस स्पेसिफिक कंट्री में रहा हो या वो अभी रह रहा है, तो इसके लेट्स से तो रिसेंटली में वो लोग आ जाते हैं जो लेट्स से अगर मैं पाकिस्तान में आज हूँ, ठीक है, और मैं कल चला गया दुबई, और जो आपने टारगेटिंग किए हैं वो आपने स्पेसिफिक जो कि मेरे इंटरेस्ट से मैच भी करते, तो वो मुझे ऐड दिखाया जाएगा भले मैं दुबई भी हूँ, क्योंकि वो आपने वो ऑप्शन चूज किया हुआ है कि रिसेंटली और लिविंग इन दिस लोकेशन। तो तभी यही होता है कि आप अगर पाकिस्तान में ऐड रन करें तो US वालों को भी दिखाया जा रहा है, दुबई वालों को भी दिखाया जा रहा है, जो कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। जैसे आपको पता है कि जो कॉस्ट आपकी जो डिटेक्ट होती है, जो चार्ज किया जाता है आपसे, वो ऑन द बेसिस ऑफ इंप्रेशन होता है, तो फालतू की इंप्रेशन जा रहे हैं उनके पास, और जाहिर सी बात है वो परचेस नहीं कर सकेंगे। तो मेक श्योर करें जो आप, अच्छा आपका सवाल होगा कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है कि पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, वो वाली ऑप्शन चूज कर दिए कि आपको लेट्स अगर आपको सिंध में टारगेट करना है तो पूरे सिंध को ही दिखाया जाए, ऐसा ना हो कि सिंध में से कोई एक बंदा चले गए दुबई तो दुबई वालों को भी दिखाया जाएगा। तो मेक श्योर करें ये ऑप्शन आप चूज करें, जो कि मेजोरिटी लोग ये चीजें अवॉइड करते हैं, और मे बी शायद जो वीडियो देख रहे हैं इनको ये फर्स्ट टाइम पता होगा या पता लगा होगा, मे बी किसी को पता भी होगा, तो ये जो मिस्टेक्स हैं ये मेजोरिटी लोग करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ और सबसे लास्ट पॉइंट वो है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक लेट्स से एक एड सेट है, उसके अंदर से वीडियोज ही ऐड कर रहे हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि वीडियो बहुत इंगेजिंग होती है, ऑडियंस को वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही होती है, क्योंकि हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, हम इमेज या गिफ वगैरह या मल्टीपल टाइप ऑफ स्टैटिक इमेजेस और गिफ वगैरह टेस्टिंग करते हैं, हम ये सोचते हैं कि उनको इमेजेस पसंद नहीं आएंगी, इमेजेस से कन्वर्ट नहीं होंगी, या हम खुद सोच रहे होते हैं, हमने टेस्ट नहीं किया होता। अच्छा, इसमें क्या मिस्टेक है, वो ये है कि लेट्स से आपने एक एड सेट में 2-3 वीडियोस आपने लॉन्च की, तो वो उन्हीं को ऐड दिखाएगा
जो कि मोस्ट प्रोबेबली वीडियो पे इंटरेस्ट रखते हैं, वो उनको ऐड नहीं दिखाएगा जो कि इमेजेस वगैरह पे इंटरेस्ट रख रहे होंगे। ठीक है, तो तभी मैं रिकमेंड करता हूँ कि इमेजेस और वीडियोस दोनों आप लॉन्च करें, ताकि वो उन ऑडियंसेस को भी टारगेट करें जो कि इमेजेस पे भी इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि इमेज वाले ऐड पे इंटरेस्ट रखते हैं, और उनको भी टारगेट करें जो कि जो वीडियो ऐड है उसको भी इंटरेस्ट रखे। ठीक है, अगर आपसे वीडियो ऐड चलाएंगे तो वो उन्हीं को दिखाएंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली वीडियो पे इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि अब लेट्स से इमेजेस पे जो इंटरेस्ट नहीं रखोगे उनको आप ऐड ही दिखाया जाएगा। तो आप इससे क्या होगा कि ऑडियंस आपकी लो होगी, जो ऐड दिखाया जा रहा है वो उन्हीं को सिर्फ दिखाया जा रहा है जो कि वीडियो पे इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो इससे क्या हो गया कि ऑडियंस रिड्यूस हो गई, मे बी जो ऑडियंस रिड्यूस हो गई उसके अंदर आपके जो आप इंपल्स बायर हो, प्रीमियम ऑडियंस हो, तो ये भी लोग बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि आप मिस्टेक कर रहे होते हैं कि जस्ट वीडियो या जस्ट इमेज। तो आपको करना है कि दोनों का मिक्सचर करना है कि वीडियो भी डालनी है प्लस इमेजेस भी डालनी है, ताकि हर ऑडियंसेस को टारगेट किया जाए और जो एआई है वो हर किसी को टारगेट करे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को ऐड करता हूँ, उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो के बाद आप ये 5 mistakes नहीं करेंगे और उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करेगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। Thank you.